जीवन में शिक्षा के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण कार्य है जिसको पाने के लिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाकर धन्यवाद दो। जीवन में शिक्षा के साथ साथ शिक्षा ही महत्वपूर्ण है और कोई द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जन करना ही महत्वपूर्ण है और विद्या अर्जन करके विद्या का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ तो जाते हैं पर दूसरों को नहीं पढ़ा पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कई लोग घर पर ही बैठे रहते हैं। इसीलिए विद्या पा करके विद्या ददाति विनयम, विद्या पा करके विनम्रता आनी चाहिए, विद्या प्राप्त करने के बाद सफलता होनी चाहिए, विद्या प्राप्त करते विद्या विवाद के लिए नहीं विद्या से संवाद होना चाहिए। और विद्या पा करके सबसे महत्वपूर्ण गुण महत्वपूर्ण काम ये है कि वो खुद तो पढ़ चुका हो तो ना पढ़े वाले को भी पढ़ाए, यह महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विद्यार्थी महान होता है। तुम्हारा भी धन्यवाद। जी के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। साधु जी, मेरा नाम आकाश गौतम है, मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूं और साथ ही महाराज जी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक हूँ। महाराज जी, बड़े दिनों से उत्सुकता थी आपसे मिलने की और मैं 4 या 5 बार आपके धाम भी गया पर मेरा कभी आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं और आज वो सब घड़ी आ गई है और मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है। आज से मैं धन्य हो गया महाराज जी। और महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में एक बार फिर से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मेरे पूछने की हैसियत तो नहीं है क्योंकि आपके पास तो हर बात का सब जवाब है, पर मैं छोटा सा प्रश्न रखूंगा महाराज जी कि महाराज जी, हमारे मन में जो चंचलता चलती है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें? और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बचपन से सांसारिक कैसे बनाएं? महाराज जी थोड़ी इस उत्सुकता को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रायः ये हर विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन अशांत रहता, मन लगता नहीं, यही सब लोग। अच्छा, मोबाइल देखने में मन लगता, फिल्में देखने में बहुत मन, और रील देखने में तो पूछो मत, आहा हा, 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते जैसे 10 मिनट पहले मोबाइल का डाटा चालू हुआ। तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसमें विचार आते हैं और हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बार दादा गुरुजी के पास में कुछ लोग आए तो दादा गुरुजी ने कहा कि इनको चित्रकूट दिखा लाओ। तो हम चित्रकूट उनको लेके गए। चित्रकूट में गए तो जगत गुरुजी के दर्शन करवाना था तो उत्तर मिला कि 4 बजे गुरुजी मिलेंगे। ध्यान से सुनना। तो हमने उनको कहा कि 4 बजे तक इंतजार करना है, तब तक हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। तो वो लोग बाहर के थे, उन्होंने कहा कि तब तक कोई पिक्चर देखते हैं। तो एक नया नया छोटा थिएटर था बगल में, उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखने। हमने कहा गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है दर्शन की, फिल्म की आज्ञा नहीं दी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देख कर आए, हम बाहर बैठे रहे, चाय पीते रहे, गुरुजी के दर्शन कराकर वापस लौटे तो दादा गुरुजी को हम पूरी बात बताते थे। तो हमने दादा गुरुजी को बात बताई कि इन लोगों ने पिक्चर देखी, हमने नहीं देखी क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। तब दादा गुरुजी ने पीठ ठोकते हुए कहा बेटा पंडित जी तुमने ठीक किया। हमने कहा क्यों? बोले अगर एक बार देख लेते तो बार बार वही लत लग जाती, तुमने आदत का श्री गणेश नहीं किया है तो अब ये आदत तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन को ये विचलता का सर्वोत्तम उपाय है शांति पाने के लिए, एकाग्रचित के लिए, कि मन को बहकाने के पहले जितने साधन है उन्हें बंद किया जाए, चलचित्र को देखना बंद किया जाए, चलचित्र पर बहुत मंथन करना बंद किया जाए, मन को शांत रखने के लिए सूर्य उपासना की जाए, और हो सके तो एक गोलाकार बनाकर या सूर्य के सामने अथवा दीपक रख करके 5 मिनट या 3 मिनट त्राटक किया जाए। और जो विद्यार्थी त्राटक करेगा, सूर्य उपासना करेगा, कितना भी चंचल मन का हो, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट देखेगा कि एक टकटक देखने से, त्राटक के प्रभाव से उसके मन के जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उनमें ठहराव होने लगा है और उसका मन जुनून के साथ अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर लगने लगा है।
इसलिए विचलितता से बचने के लिए सबसे घातक है चलचित्र। चलचित्र जानते हो? नाच देखना मोबाइल पर, यह सबसे ज्यादा खतरनाक। इससे बचने के लिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें, अपनी पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए अथवा किसी गुणज्ञ व्यक्ति की बातें सुनने के लिए। और रोज 15 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले आप त्राटक करना प्रारंभ कर दो, मन शांत रहने लगेगा।